देखिएगा कि हम लोग अभी तक जहाँ से पढ़ रहे हैं वो है स्वदेशी मूवमेंट, हमने देखा। उसके बाद हमारे यहाँ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ किस तरह से बैकग्राउंड के अंदर उभर के आ रही थी। अभी इन बिटवीन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जब उभर के आई, स्वदेशी मूवमेंट ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के बाद आपके रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज़ आई, उसके बीच वाला जो पीरियड था ना, उसके बाद वाला जो पीरियड राइट फ्रॉम 1908 और 1912 के आसपास, वो पूरा का पूरा पीरियड चला गया, वो वैक्यूम पीरियड के तौर के ऊपर चला गया। ओके, क्योंकि वैक्यूम पीरियड फ्रॉम 1908 छिटपुट आपकी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, वो 1911-12 तक सचिन सान्याल का देखा, या हमने मदनलाल ढींगरा का देखा वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो कर रहे थे। बट यहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं चल रही थी। ओके, बट बाय 1914 यू विल सी कि वर्ल्ड वॉर जो बैकग्राउंड के अंदर शुरू होता है, तो वहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा कि दैट वॉज अ मैच्योरिंग टाइम फॉर इंडियन नेशनलिज्म। भारत के राष्ट्रवाद का सबसे बहुत मैच्योर पीरियड के तौर के ऊपर देखा जाता था, और बहुत सारे लोग थे जिनका मानना था दैट द ब्रिटेन्स डिफिकल्टी इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी। बोले है ना कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। बोले ऐसा मौका था कि अंग्रेज यहाँ पे, वहाँ यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था और उसके अंदर थोड़े बहुत अपने आप को पकड़ के रखे थे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा उसका फायदा उठा के हम लोग कुछ क्रांति लाने की कोशिश करेंगे। वही क्रांति के तौर के ऊपर यहाँ पे आपको दो मूवमेंट्स पैरेलल बैकग्राउंड के अंदर देखने को मिलेंगे। एक तो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बैकग्राउंड के अंदर गदर, और उसके बाद आपकी जो शुरुआत होती है वो है आपके होम रूल मूवमेंट की। ओके, अब थोड़ा बहुत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जान लेते हैं। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता है कि डिड दी मॉडरेट सपोर्टेड दी ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दी वर्ल्ड वॉर, डिड द एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टेड, व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ रमेश भाई, व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ मुकेश भाई। इस तरह के क्वेश्चंस कभी ना कभी ये लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट वाज द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग दी वॉर। यहाँ पे जो राष्ट्रवादी नेता थे, 1908 के बाद वाला समय बात कर रहा हूँ मैं आपको, माइंड वेल। अभी देखेगा 1908 के बाद थोड़ी बहुत छिटपुट स्कैटर्ड आपके रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी, बट ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मॉडरेट्स उस टाइम के ऊपर आएंगे और वो बोलेंगे, क्योंकि दे वर वेरी मच लॉयल, मॉडरेट्स के बारे में तो हमने देखा ही है। तो मॉडरेट्स, ओके, मैं आपको सिंबलाइज के तौर के ऊपर बता रहा हूँ, जो मॉडरेट्स लीडर्स हुआ करते थे, इनका मानना था कि एक और मौका दे देना चाहिए, वी शुड बिलीव इन द गवर्नमेंट और उनको कुछ करना चाहिए। ओके, एक्सट्रीमिस्ट भी थोड़ा बहुत बोलते हैं कि भाई हम लोग को इनको सपोर्ट कर देंगे, स्वराज वराज मिल जाएगा तो अच्छा हो सकता है। ओके, तो ये सिंबॉलिकली है, अब इसको ये जो इमेजेस है। और उस टाइम के अंदर आपका जो तीसरा ट्रेंड था, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी ना, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वाले लोग बोलते हैं कि अभी लोहा गर्म है, हमें हथौड़ा मार देना चाहिए। तो जो तीसरी जो स्कूल ऑफ थॉट थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जो उभर के आ रही है, वो है आपकी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की। और उनका यही मानना है कि वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्राइक टू द ब्रिटिशर्स। और इसी के तौर के ऊपर आपको बहुत सारी स्केटर्ड रिवॉल्ट्स और म्यूटिनीज देखने को मिलेगी। जैसे 1857 के बाद बहुत सारी म्यूटिनीज आर्मी के अंदर और नेवी के अंदर होती रहती थी। बर्लिन कमेटी की स्थापना कर दी गई यूरोप के अंदर। एक सिंगापुर के अंदर स्केटर्ड म्यूटिनी हुई थी इंडियन सोल्जर्स के द्वारा ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली। उसके बारे हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट इसी के बैकग्राउंड के अंदर एक और मूवमेंट, जो फिर से मैं आपको मूवमेंट वाली जो ग्रेवी में मास्टर स्लाइड मैंने आपको जो बताई थी उसको याद करिएगा। व्हेन, वेयर, हाउ, हु वाज द लीडर एंड हाउ द प्रोग्राम वाज कंसीव्ड, वहां से ही एक आंदोलन शुरू होता है जिसे कहा जाता है गदर आंदोलन और गदर मूवमेंट, दी गदर। अब देखिएगा, गदर एक प्रेम कथा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। एसेंशियली ये जो गदर है, सनी देओल के गदर से थोड़ा बहुत अलग है। हम लोग जो हिस्टोरिकली एसेंशियली जो गदर को पढ़ते हैं, या जो गदर मूवमेंट जो इंडिया के अंदर हुआ है, उसका थोड़ा बहुत रिलेशन इससे अलग रहेगा। अब देखिएगा कि दी गदर और दी गदर मूवमेंट, उसका बैकग्राउंड हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे, बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे, देवर ऑल्सो सेटल्ड अब्रॉड। हमने यूरोप की जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी उसका ट्रेंड हमने इसके पहले वाली स्लाइड्स के अंदर देखा कि किस तरह से वहाँ पे बर्लिन रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे लोग थे, मैडम भिखाजी कामा जैसे लोग थे, आपके और भी लीडर्स थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे लोग थे, जो लोग यूरोप के अंदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे थे। वैसे ही बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग
बहुत सारे यूथ थे, दे हैड माइग्रेटेड टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस अमेरिकन कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, और वो लोग थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के अंदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज नॉर्थ अमेरिका के अंदर गदर आंदोलन जो शुरू हुआ उसके पहले ये लोग करेंगे। रामदास पुरी, जी डी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भागना, लाला हरदयाल जैसे आदि इत्यादि लोग थे जो प्री गदर एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए थे। 1911 तक आते आते ये लोग माइग्रेट करते करते धीरे 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 सिएटल के अंदर, सिएटल इज अ प्लेस इन नॉर्थ अमेरिका, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ही है, एंड उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था यूनाइटेड इंडिया हाउस। एक और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था स्वदेश सेवक होम, एंड बोथ वर बेस्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ओके, दिस इज वैनकूवर एंड दिस इज सिएटल, दोनों के थ्रू आप ड्राइव करके जा सकते हो, यहाँ पे आपका रोड साइन भी दिया गया है। एसेंशियली ये वो लोग थे जो लोग अमेरिका में रह के भारत के लिए आज़ादी की लड़त चलाना चाहते थे। ओके, सो दे वर बेसिकली सम वर स्टूडेंट्स, सम वर रिवॉल्यूशनरीज हु वर हु वांटेड टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, और वो लोग नॉर्थ अमेरिका के अंदर पूरा का पूरा बेस बनाते रहते थे। इसी में से ही जो मैंने आपको प्री गदर लीडर्स बताया, वैसे एक लीडर हुआ करते थे तारकनाथ दास, और तारकनाथ दास एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया करते थे जिसका नाम था द फ्री हिंदुस्तान। मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चंस इस तरह के आते रहते हैं, मैंने आपको पुरानी स्लाइड्स के अंदर भी बताया, आगे की स्लाइड्स के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे। 1913 तक आते आते कनाडा में बहुत सारे लोगों को इश्यूज हो रहे थे, और कनाडा की सरकार एसेंशियली, कनाडा अगर आप जानते होंगे तो कनाडा एसेंशियली यूज टू बी अ ब्रिटिश कॉलोनी, और ब्रिटिश कॉलोनी के होने के नाते ब्रिटिशर्स उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं उस टाइम के अंदर, और ये जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उनको वैनकूवर से खदेड़ दिया जाता है, और अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को के अंदर ये लोग 1913 तक आते आते एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं विच वॉज बेस्ड ऑन अ न्यूज़पेपर हुज नेम वॉज गदर, द गदर और गदर, वॉट इज इट, गदर क्या है? बेसिकली इट्स अ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जो था, बट ये एक ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया करता था, एक वीकली जर्नल जैसा पब्लिश किया करता था जिसका नाम था गदर। ओके, गदर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। दिस गदर न्यूज़पेपर यूज्ड टू गेट पब्लिश्ड इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट, दैट इज पंजाबी, ऑल्सो इन इंग्लिश, लेटर ऑन दे स्टार्टेड पब्लिशिंग इन अदर लोकल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग उर्दू लैंग्वेज एज वेल। ओके, इट वॉज अ वीकली न्यूज पेपर विच वॉज पब्लिश बाय रिवॉल्यूशनरी ग्रुप। The headquarters were located at San Francisco in United States of America. जब कनाडा उनको खदेड़ देता है, कनाडा के अंदर आपको पता ही होगा कि पंजाबी पॉपुलेशन हमारी बहुत है, मेजोरिटी ऑफ द गदराइट्स अगर आप देखोगे दे ऑल्सो बिलोंग टू पंजाब, और आज की तारीख में कनाडा के अंदर ओके द थर्ड लैंग्वेज बोला जाता है कि कनाडा की पंजाबी कर दी गई है। ओके, तो इनिशियली इंग्लिश और फ्रेंच हुआ करती थी, एंड सम प्रोविंसेस के अंदर पंजाबी भी लैंग्वेज कर दी गई। ओके, और लाला हरदयाल जो क्रांतिकारी को मैंने आपको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर दिखाया था, उनको गदर पार्टी का फाउंडर बोला जाता है। ओके, फाउंडेड द गदर पार्टी इन अमेरिका एंड फॉर इयर्स ही लिव्ड एन हॉस्टल लाइफ। लेटर ऑन 1909 के आसपास उनको है ना वो पेरिस चले जाते हैं, और पेरिस से फाइनली वो अमेरिका जाएंगे। ये भी बहरूपे की तरह थे, अलग अलग कंट्रीज घूमते रहते थे। बंदे मातरम कौन पब्लिश करता था? बंदे मातरम वॉज पब्लिश बाय मैडम भिखाजी कामा, और उसके एडिटर भी ये रह चुके हैं। ओके, तो ये इनके बीच में आपको थोड़ा बहुत सिंक्रोनाइजिंग टेंडेंसीज भी देखने को मिलेगा। ओके, लेटर ऑन ये जितने गदर मूवमेंट या गदर आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग थे, ये लोग अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम कंसीव करके चीज़ें आगे ले जाना चाहते थे कि व्हाट वर देयर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, इनका ऑब्जेक्टिव्स यही था कि दे वांटेड टू असैसिनेट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, बोले खत्म करो अंग्रेजों को, खत्म करो। लाला हरदयाल यही चीज बताया करते थे। पब्लिश रिवॉल्यूशनरी एंड एंटी इंपीरियलिस्टिक लिटरेचर, बोले साम्राज्यवाद के विरुद्ध में और क्रांतिकारी जो भी आपकी लिटरेचर होगा उसके ऊपर ये लोग फोकस किया करते थे। इसी के तहत इन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया। दे ऑल्सो वर्कड अमॉन्ग द ट्रूप्स हु वर स्टेशन एट डिफरेंट लोकेशंस। इंडियन ट्रूप्स जो भारत के सैनिक थे, अलग अलग जगहों के ऊपर उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी, उनके अंदर जाके उनको जगाने की कोशिश करते थे कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, आपको इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली द अल्टीमेट आर्म्स, इनका जो आइडियोलॉजी था वो था कि हम लोग हथियार लेंगे, हथियार लेने के बाद पूरी की पूरी ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज है इंक्लूडिंग इंडिया, वहाँ पे हम लोग साइमल्टेनियस हम लोग रिवॉल्ट लाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देखिएगा कि मेक्सिको के अंदर वहाँ पे जो पूरा का पूरा अत्याचार किया जा रहा था,
तो इन्होंने मैक्सिकन रिवॉल्यूशनरी लीडर्स को बोला कि दे वर मैक्सिकन गदराइट्स, तो ये लोग एक फ्रेटर्निटी बनाना चाहते थे एसेंशियली, और दे ऑल्सो इंटेंडेड टू ब्रिंग अ रिवॉल्ट इन इंडिया. अब देखेगा कि इनका मानना यही था कि 1857 के बाद, यू रिमेंबर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, पोस्ट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 यू विल सी दैट द देर वॉज नो लॉन्ग और देर वॉज नो मास स्केल रिवॉल्ट विच टुक प्लेस फ्रॉम 1857 टिल 1913 एंड 1912. तो इनका मानना यही था कि 1912 तक आते आते भाई 50-60 साल हो चुके हैं, भारत में कोई भी क्रांति नहीं हुई है बड़ी. आंदोलन हुए थे एक दो, स्वदेशी मूवमेंट जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, बट वो आज़ादी नहीं दिला सकती, क्योंकि इनका मानना यही था कि अंग्रेजों को मार के ही हमको आज़ादी मिलेगी. ओके, सो एसेंशियली इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही था कि भारत के अंदर हम लोग रिवॉल्ट करेंगे, इतना बड़ा रिवॉल्ट करेंगे, 1857 से भी बड़ा रिवॉल्ट करेंगे, पहले बाहर बैठ के पूरा हम लोग ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दे, उसके बाद रिवॉल्ट आने की कोशिश करेंगे. दिस वॉज द गदर विच वॉज पब्लिश इन दी उर्दू लैंग्वेज. अब मैंने आपको बताया कि दैट गदर वॉज अ मल्टी लिंगुअल न्यूज़पेपर. याद रखेगा ऐसे क्वेश्चन बना के या ऑप्शन के अंदर ये चीज़ डाल देगा यूपीएससी कि भाई गदर एक से बहुत सारी दूसरी भाषाओं के अंदर भी पब्लिश किया जाता था. दैट ऑप्शन इज राइट. सेकेंडली, गदर के कौन कौन लीडर्स थे, यहाँ से भी क्वेश्चन 2-3 दफ़ा आ चुका है, तो आपको इनके नाम याद रखने करने पड़ेंगे. ओके, एक तो थे भाई बरकतुल्ला, मोहम्मद बरकतुल्ला भी कहते हैं उनको. सेकेंड वॉज भगवान सिंह, ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद गदर, ही वॉज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम, कोलंबिया के अंदर शायद ये पढ़ते थे ऐसा कुछ था. लाला हरदयाल वॉज ऑल्सो वॉज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी. ऑल्सो सोहन सिंह भाकना वॉज एसोसिएटेड विद गदर पार्टी और द गदर मूवमेंट. और इसके साथ साथ और भी लीडर थे, एक तो थे करतार सिंह सराभा, ही वॉज ऑल्सो द लीडर ऑफ द गदर मूवमेंट, एंड देर अदर लीडर्स इंक्लूडिंग भाई परमानंद एंड रामचंद्र. ओके, तो ये 5-6 नाम है आपको याद रखने पड़ेंगे, बरकतुल्ला, भगवत सिंह, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, रामचंद्र एंड भाई परमानंद. अब देखेगा कि ये जो गदर मूवमेंट है इंडिया के अंदर जो हुआ, ये गदर मूवमेंट की खासियत क्या थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज रिलेटेड टू गदर मूवमेंट और द लीडरशिप इज दैट दिस वॉज दो इट वॉज अ मिलिटेंट और सम काइंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप, बट इट इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम ऑल द सेक्शंस, हिंदू, मुस्लिम और सिख. तो बेसिकली इट वॉज दो अ रिवाइवल और रिवॉल्यूशनरी थिंग, बट यहाँ पे आपको सेक्युलर लीडरशिप देखने को मिलती रहेंगी. इन सब का मानना यही था कि भारत के अंदर हम लोग क्रांति करेंगे. अब धीरे 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 अमेरिका के अंदर इन्होंने अपना बेस बनाना शुरू किया, ये लोग बहुत फेमस हो रहे थे. इंडिया के अंदर भी इनका जो न्यूज़पेपर था वो धीरे धीरे सर्कुलेट होना शुरू हो गया था. बाय 1914 2-3 घटनाएँ ऐसी हो गई जिनको देख के इनको लगा इनकी जो कॉन्शियंस है, इनकी जो अंतरात्मा है वो कांप उठी थी. अंग्रेजों ने ऐसी बहुत सारी गलतियां कर दी थी जिसको देख के इनको लग रहा था कि अब तो हमको क्रांति करनी चाहिए, तुरंत की तुरंत करनी चाहिए. पहली जो घटना बनी जिसे कहा जाता है कोमगाता मारू इंसिडेंट, एंड द सेकेंड वन वॉज द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत और कोमगाता मारू की घटना. अब देखिएगा कि कोमगाता मारू की घटना क्या हुआ. द कोमगाता मारू जो चीज थी, इट वॉज अ नेम ऑफ अ शिप, ये जापानी शिप हुआ करती थी और जापान के योकोहोमा बंदर से एक भारतीय आपके बिजनेसमैन थे गुरदीप सिंह, बाबा गुरदीप सिंह करके एक जेंटलमैन थे, उन्होंने ये शिप को हायर कराया था. एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि इंडियन माइग्रेशन, जो इंडियन कम्युनिटी थी अलग अलग जगहों के ऊपर रहने वाली, उनको नॉर्थ अमेरिका के अंदर सेटल होना था, तो एसेंशियली ये लोग शिप से जाया करते थे. इन्होंने क्या किया कि योकोहोमा से शिप को हायर किया, फिर वहाँ से हांगकांग से सिंगापुर होते हुए फाइनली कनाडा की तरफ इनको जाना था. ओके, कनाडा मैंने आपको बताया कि पंजाबियों के लिए बहुत प्यारा है, और एसेंशियली 1914 से ही ये, उसके पहले से उसी 1900 से ही ये ट्रेंड देखने को मिल रहा था. सो कोमगाता मारू की घटना जो होती है वो घटना गदराइट्स को बहुत ही झकझोल के रख देती है. हुआ ये कि उन्होंने ये शिप को हायर किया, और हायर करने के बाद एसेंशियली 370 लोगों के साथ ये लोग सिंगापुर चले जाते हैं, और सिंगापुर से वैनकूवर जाते हैं. जब वैनकूवर जाते हैं तो वहाँ की कनाडा की गवर्नमेंट जो होती है उनको कनाडा के पोर्ट के अंदर एंटर नहीं कराती, उनको बोलती है कि आप हार्बर के अंदर रुको, और उनको रोका करती है 2 महीने तक. बेचारे भूखे प्यासे लोग, उनके पास जो सप्लाईज थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और इतना इनह्यूमनली ट्रीट करते हैं. और इसके बैकग्राउंड के अंदर ये बोला गया है कि दिस वॉज द ब्रिटिश इंटरफियरेंस इन कैनेडियन अफेयर्स. अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर किया, और बाबा गुरदीप सिंह ये जो जेंटलमैन थे जो पूरा का पूरा ये जो शिप को कंटिन्यू करके लेके जा रहे थे, वो भी कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि कैनेडा हमको एंटर क्यों नहीं करने दे रहा,
तो वैंकूवर नाम का पोर्ट विच इज ऑन द ईस्टर्न साइड सॉरी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कैनेडा, वहां पे ये पूरा का पूरा चर्चा चलती है। और ये पूरी की पूरी शिप को 2 महीने तक भूखे पैसे लोगों को, इनको खाना बना नहीं दिया जाता, इनको पोर्ट के अंदर एंटर नहीं कराया जाता, और ये सब पूरी की पूरी चीजें हाईलाइट की जाती है। ओके, तो कनाडा के न्यूज़पेपर्स उस टाइम के अंदर ये पब्लिश किया करते थे दैट द हिंदू इन्वेडर्स नाउ इन द सिटी हार्बर ऑन कोमगाता मारू। ओके, तो इस तरह के वहाँ के न्यूज़पेपर्स, प्रेस, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि वे भारत के लोग आएंगे और पूरी की पूरी कैनेडियन कल्चर है उसको इन्वेड कर देंगे। और ये पूरा का पूरा जो टेक्टिकल प्रेशर था, क्योंकि ब्रिटेन को लगता था कि ये बहुत सारी जो इंडियन कम्युनिटी के लोग ये शिप्स के अंदर जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी भी हो सकते हैं, एंड दे कैन ब्रिंग रिवॉल्ट इन इंडिया एंड डिस्टेबिलाइज द ब्रिटिश एम्पायर। Ultimately, when these people were left over at the Komagata, this is the real picture of the Komagata Maru, जो ship के अंदर harbour के अंदर था, इस बाबा गुरदेव सिंह बच्चे के साथ खड़े हैं, and all the migrants 2 महीने तक वहाँ पे रहते हैं। और background के अंदर हुआ ये कि आपका first world war शुरू हो जाता है। जब first world war शुरू होता है तो Britain order करता है कि जितनी भी ships आपकी दुनिया के अंदर घूम रही है ना, वो जो native लोगों को लेके जा रही है ना, उन सबको उतने origin के ऊपर भेज दो। तो यहाँ के native लोग कौन थे? Indians थे वो ship के अंदर जाने वाले। तो ब्रिटेन आपके कैप्टन रसल मतलब उस टाइम के अंदर जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी, वो बताते हैं कि वो शिप को इंडिया भेजो, कुछ भी हो जाए उसको भारत भेजना चाहिए। ओके, फाइनली ये सितंबर 1914 तक आते आते इन सबको कैलकटा का जो बजबज करके जो आपका हार्बर है वहाँ पे ये भेज दिया जाता है और शिप को एंकर करा दिया जाता है। अभी ये जो शिप के अंदर के जो पैसेंजर्स थे, 2 महीने से भूखे प्यार से लोग थे, कनाडा के अंदर एंट्री नहीं मिलती है, वहाँ घुमा फिरा के वर्ल्ड टूर करा के कराते इंडिया भेज दिया जाता है। एंड द ब्रिटिशर्स फोर्सफुली वॉन्टेड देम टू सिट ऑन द ट्रेन इन टू विच विल बी ड्राइविंग देम टू पंजाब। एसेंशियली सरकार का मानना ये था कि ये शिप के अंदर बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे, और इनको हम लोग पकड़ सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट व्हेन द ब्रिटिशर्स टोल्ड देम टू सिट ऑन द ट्रेन, द इनमेट रिफ्यूज टू बोर्ड द पंजाब बाउंड ट्रेन। और एज अ रिजल्ट ब्रिटिशर्स यहाँ पे फोर्स यूज करते हैं, पूरा सबको उठा उठा के ट्रेन के अंदर बिठाने की कोशिश करेंगे, और अफड़ा तफड़ी मच जाती है, और यही अफड़ा तफड़ी के अंदर करीबन 22 लोग मारे जाते हैं। व्हेन द न्यूज रीच the Ghadarites and the other people who are based in different parts of this country and the world, they were infuriated. बोले ये क्या किया अंग्रेजों ने? एक ऐसे शिप, निहत्थे लोग थे जो कहीं से जा रहे थे, उनको आपने कंपेल कर दिया, उसके बाद कंपेल करने के बाद 22 लोग को मार भी दिया इस तरह से। एंड एज अ रिजल्ट द Ghadarites, जो कब से सोच रहे थे कि हमको आंदोलन करना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए, एक रिवॉर्ड कर देना चाहिए, ये घटना के बाद वो इतना गुस्सा हो गए तो उन्होंने एक डेट डिसाइड कर दी और बोला कि बदला लिया जाएगा। बोले पापा का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा लाला हरदयाल। ओके, तो ये पूरी की पूरी थॉट के साथ ये बदला लेने की कोशिश की गई है Ghadarites के द्वारा, और ये लोग एक डेट डिसाइड कर देते हैं। वो डेट का नाम था 21 फरवरी 1915। ओके, सो ऑन 21 फरवरी 1915 ये Ghadarites जितने भी थे वो आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। इन बिटवीन 2008 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि है ना कि वो पश्चाताप के आंसू, और उनको रियलाइज हुआ कनाडा को, तो 2008 में उन्होंने अपोलोजाइज किया था। उसके बाद ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है, आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत स्टोरी डिफर कर रहा है अलग अलग न्यूज़पेपर के हिसाब से। अभी रिसेंटली फिर से कनाडा ने उसको माफ़ी मांगी है कोमगाता मारू को लेके। ओके, तो आपके जो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं जस्टिन ट्रूडो फिर से कोमगाता मारू को लेके उन्होंने स्टेटमेंट दे रहे थे वहाँ की प्रोसीडिंग्स के अंदर, कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर। तो एसेंशियली 2008 में भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी, इसके साथ साथ अभी रिसेंटली जब नए प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने भी माफ़ी मांगी। लास्ट ईयर जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब वहाँ पे कनाडा गए थे तो ही ऑल्सो विजिटेड दिस मेमोरियल साइट। ओके, तो कोमगाता मारू काफ़ी न्यूज़ के अंदर है और कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ओके, सो Ghadarites अर्ज द फाइटर्स टू गो टू इंडिया। बोले जहाँ पे भी कितने भी क्रांतिकारी दुनिया के अंदर बैठे हैं वो सबके सबको भारत के अंदर जाना चाहिए, एंड यू हैव टू ब्रिंग अ रिवॉल्ट। इसी के दौरान आपको दो गदर लीडर्स से रघुवीर दयाल गुप्ता एंड दी करतार सिंह सराभा, ये दोनों इंडिया के अंदर चले जाते हैं, बोले छुपे छुपे होके, और हम लोग दो तीन दिन की पैर बना के, कोई बंगाल से आएगा, कोई भी नॉर्थ से आएगा, कोई गुजरात से होते हुए या कोई साउदर्न पार्ट ऑफ दी कंट्री से होते हुए हम लोग पंजाब के अंदर जाएंगे और उनके लोगों को जगाएंगे और हम लोग क्रांति लाएंगे। द डेट वॉज डिसाइडेड दैट 21 फरवरी 1915 हम लोग पूरे भारत के अंदर क्रांति ला देंगे। अफसोस, पर ये क्रांति होती नहीं है क्योंकि अंग्रेजों के पास एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था CID। दया, कुछ तो गड़बड़ है।
एक ऐसे ऑफिसर हुआ करते थे जो ऑलरेडी इंडियन जो मास था, इंडियन डायस्पोरा था जो भारत के अंदर पंजाब के अंदर रहने वाला था, उसके अंदर उनकी पहुंच उतनी बड़ी हो गई थी। तो हुआ ये कि इन्होंने ये जितने भी क्रांतिकारी दो दो एक एक करके आ रहे थे, सबको पकड़ पकड़ के पुलिस पकड़ उनको अरेस्ट कर देती है। लेटर ऑन जब ये न्यूज़ फैलते हैं तो फिर से आपके मेजोरिटी लीडर्स को अरेस्ट कर दिया जाता है। तो दो जेंटलमैन थे, रास बिहारी बोस और सचिन सानियार, वो बंगाल के अंदर बैठे थे, उनको बुलाया जाता है कि आप पंजाब में जाके गदर आंदोलन की लीडरशिप लो। बट एज यूजुअल मैं आपको फिर से बताता रहता हूँ कि लीडरशिप क्राइसिस का जो इश्यू होता है वो आप आराम से सॉल्व नहीं कर पाते। आपको आंदोलन करना था, आप कैसे आंदोलन करोगे? अमेरिका में बैठ के वो नहीं हो रहा था। एंड एज अ रिजल्ट द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन मार्च 1915। अच्छे अच्छे क्रांतिकारियों को सरकार पकड़ लेती और सबको जेल के अंदर अरेस्ट कर देगी। रास बिहारी बोस और सचिन सानियाल फिर से ये गदर आंदोलन के अंदर पार्ट तो लेंगे, थोड़ा बहुत क्रांति लाने की कोशिश भी करेंगे, बट वो वहाँ से अंग्रेजों के हाथ में नहीं आते हैं। रास बिहारी बोस इंटरनेशनल आर्मी के दौरान देखने को मिलेंगे, वो वहाँ से जापान चले जाते हैं और आपका गदर आंदोलन जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि आंदोलन भारत के अंदर तो हुआ ही नहीं था। अब हम लोग देखते हैं कि वॉट वॉज दी असेसमेंट, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स गदर आंदोलन का, देखेंगे किस तरह से इनका पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव रोल के तहत आइडियोलॉजी के ऊपर इन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है। आइडियोलॉजी के तहत इनका मानना था कि जितने भी क्रांतिकारी दुनिया के हैं वो सब हमारे भाई बहन ही है। ओके, सो एनरिचमेंट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म विद अ कंप्लीट सेक्युलर अप्रोच, इसके अंदर ऐसे लोग थे जो हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख भी थे, और इन सब का कंट्रीब्यूशन भी गदर के अंदर अच्छी तरह से रहा है। बट इनका आइडियोलॉजिकल लेवल तो बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा, बट मिलिट्री जो अप्रोच रहा वो बहुत ही खराब रहा। 1857 से रिवॉल्ट को आप गदर आंदोलन के साथ कंपेयर करोगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों मिलिट्री रिवॉल्ट के तौर के ऊपर देखे गए हैं। बट गदर मूवमेंट मिलिट्री चालू ही नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि अंग्रेज उनको पकड़, 1857 वाली हालत करने ही नहीं थी, इतना इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। व्हाई डिड इट फेल्ड मिलिट्री, उसका पीछे का रीजन वही था कि इट लैक्ड एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सस्टेन लीडरशिप। क्या है, आपका लीडर कहाँ बैठा है? अमरीका के अंदर। आप बोलोगे दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन करके हम लोग बड़ी पैर बना के बोलेंगे क्रांति करने की कोशिश करेंगे, हो ही नहीं सकता। भारत के लोगों को वह ना कि आप अचानक कल उठ के अमेरिका से आ जाओ और बोल दो कि आज चलो क्रांति करने चलते हैं, सामने वाला आदमी आपको क्या बोलेगा, पागल हो गया क्या, निकलो यहाँ से। द सेम थिंग हैपेंड, क्योंकि द पीपल ऑफ पंजाब डिड नॉट सपोर्टेड द गदराइट्स, उनको लग रहा था कि यार ये लोग कुछ उल्टी बातें कर रहे हैं। सेकेंडली, यू हैव टू प्रिपेयर एट एवरी लेवल, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ मिलिट्री रिवॉल्ट इन इंडिया, कू करने की कोशिश करो इनडायरेक्टली। और होमवर्क क्या था, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बहुत ही कमजोर रह गया। आइडियोलॉजिकल तो आप मजबूत थे, बट लोगों के अंदर आपकी आइडियोलॉजी फैली नहीं फैली। टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर फाइनेंशियल पैसा चाहिए ना भाई साहब, वो भी नहीं था। तो ये सब चीजें आपके पास नहीं होगी और आप मिलिट्री रिवॉल्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। ऊपर से इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया तो सबको पकड़ पकड़ के अरेस्ट कर दिया जाता था, और इसी के कारण आपका गदर मूवमेंट फेल हो जाता है। ओके, एक दो प्रश्न देख लेते हैं गदर मूवमेंट को लेके, कहां कहां प्रश्न आया हुआ था। Who was the leader of Gadar party? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, दो मार्क आपके रोकड़े हो जाएंगे। कौन था? सावरकर, अभिनव भारत, तिलक तो स्वदेशी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, लाला हरदयाल एंड भगत सिंह तो आप बाद में आते हैं। लाला हरदयाल हमने कब से देखा है, ऐसे रोकड़े क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, कैश मार्क्स कहते हैं। ओके, वेयर वर द गदर रिवोल्यूशनरीज हु बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेस्ड। ओके, ये देखिए एक कैसा क्वेश्चन पूछा है, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अब सबके सब अमेरिका के अंदर ही थे। ओके, एसेंशियली अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे, इसके लिए इसका आंसर आएगा नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और जो सिएटल वाले जो प्लेसेस थे वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ओके,